मेरा नाम मोहम्मद अयूब है और मुझे स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हुए एक प्यार से यानी कि कहा जाता है मास्टर मोहम्मद अयूब जी। मैं सन 1982 से कर रहा हूँ, आज 40 साल हो गए बच्चों को पढ़ाते हुए। सर जी, ये जहन में इसलिए आया था क्योंकि मैं एक फायर फाइटर की ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था और आप समझते हैं कि फायर फाइटर जो है दूसरों के लोगों की मदद करता है, तो जब मैं किसी के काम के लिए जाता था तो मेरा दिल चाहता था कि मैं किसी की मदद करूं। लेकिन मैंने जब सर्वे किया है तो उसमें सिर्फ बच्चों के लिए देखा गया है कि बच्चों पर असलियत हो रही है और बच्चे जो हैं वो काम कर रहे हैं, कुछ बच्चे आवारा फिर रहे हैं, कुछ नशे में लगे हुए हैं। तो मेरी यही समझ आई है कि क्यों ना बच्चों से कोई काम किया जाए और इन बच्चों को पढ़ाया जाए, तालीम दी जाए, और अगर ये बच्चे पढ़ेंगे नहीं, किसी काम की तरफ नहीं जाएंगे तो फिर क्या होगा, हमारे मुल्क के लिए नुकसान होगा। मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए कर रहा हूँ कि अगर इनमें से 100 में से चंद भी हीरो बन जाए, 10 भी हीरो बन जाए, तो अल्लाह ताला बहुत अपना वो कर नवाजेगा। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि तुम में से वो लोग अच्छे हैं जो खुद पढ़ते हैं, दूसरों को पढ़ाते हैं। फिर आपने ये भी कहा वो जन्नती हैं जो किसी को तालीम देते हैं। मेरे इनसे कोई लेना देना नहीं है, फीस भी मैं इनको पढ़ाता हूँ और अपना वक्त गुजार लेता हूँ। लोग कहते हैं जी अपना नींद नहीं आती, मैं इनको जब पढ़ा के जाता हूँ और जब ये बच्चे पढ़ के मेरे से जाते हैं, खुदाई कसम इतनी खुशी होती है और इतनी प्यारी नींद आती है कि मैं 11 बजे से लेकर सुबह फजर की अजान के साथ ही उठ जाता हूँ और अपनी नमाज पढ़नी, कुरान पढ़ना, बच्चों को सुबह सवेरे कुरान पढ़ाना, 10 से लेकर 12 बजे तक बच्चे आएंगे, फिर वो छुट्टी कर जाएंगे, थोड़ा आराम करूँगा, उसके बाद 3 बजे यहाँ आ जाऊँगा, 3 बजे से लेकर 6 बजे तक इनको पढ़ाऊँगा, फिर यहाँ से छुट्टी करके मगरब की नमाज पढ़ने के बाद फिर ओपन यूनिवर्सिटी के बच्चे आएंगे, बड़े बड़े जो अपना किसी काम में लगे हुए हैं, किसी दुकानों पे लगे हुए हैं, वो कारोबार में लगे हैं, वो काम सीख रहे हैं। तो ये सिलसिला मेरा पूरा इस तरह चलता है और मैं समझता हूँ कि मेरी इनसी मदद से अगर कोई बच्चा कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या किसी अच्छी जगह चला गया तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है। यही काम है कि मैं 5वीं में बच्चों को ले जाऊँ तो इनको क्यों ना 6वीं में हाई स्कूल में दाखिल कराऊँ, अगर वो 6वीं में नहीं कर रहे तो क्यों ना इनको जनाब वाला मैं जाकर मिडिल में दाखिल कराऊं, या अगर वो मैट्रिक भी हमारे पास से कर जाता है तो फिर मैं समझता हूँ किसी कॉलेज में ले जाऊं। मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं स्कूलों वाले, कॉलेजों वाले, अल्लाह का बड़ा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चे मेरे बहुत बहुत दूर जाके पढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह ये काम मेरा जारी रहेगा। पॉलीक्लिनिक के अंदर मुलाजम है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मुलाजम है, पेट्रोलियम में मुलाजम है, बहुत अच्छी जगह गए हैं, कॉलेजों में गए हैं, यूनिवर्सिटियों में गए हैं, अल्लाह का बड़ा शुक्र। यही देना चाहूँगा अपने पाकिस्तान भाइयों के लिए, खवातीन के लिए, दोस्तों साथियों के लिए, बुजुर्गों के लिए कि आओ हम मिल दें, मिलकर इस पाकिस्तान की अगर खिदमत करना चाहते हैं, इन बच्चों को तालीम दें, गरीब गुरबा को, अगर इन गरीब गुरबा को नहीं पढ़ाएंगे तो ये नशे मन में चले जाएंगे, चोर बन जाएंगे, डाकू बन जाएंगे, हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा बल्कि घाटे में चला जाएगा, हमारा नुकसान होगा। आओ मेरे साथ मिलो और इन बच्चों को पढ़ाएँ और आगे चलें।